हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। इससे पहले हमने राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का पार्ट ए कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का पार्ट दो नंबर लेकर आए हैं। बिना किसी के देरी के स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए, चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा नगर है? तो इसके क्वेश्चन के अंदर बताना है आपको चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा नगर है। तो चंद्रभागा नदी के किनारे झालरापाटन बसा हुआ है और झालरापाटन झालावाड़ केंद्र है और इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा है? झालरापाटन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बसी जयपुर के चैनपुरा गाँव की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपको बताना है चैनपुरा गाँव की पहाड़ियाँ बसी जयपुर के अंदर है, तो इससे कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से मोरेल नदी का उद्गम होता है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण किस जिले में है? तो आपको बताना है माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण किस जिले में है? तो माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण बांसवाड़ा जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। और माही नदी का अन्य नाम देख लीजिए, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है इसे, आदिवासियों की गंगा। और माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, आदिवासियों गंगा कहा जाता है और माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। और माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण बांसवाड़ा जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वाई नदी पर बांध किस स्थान पर बना है? तो ज्वाई नदी पर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ज्वाई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध बना हुआ है जो सुमेरपुर पाली के अंदर बना हुआ है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध सुमेरपुर पाली के अंदर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयड नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आयड नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है तो आयड नदी को अन्य बेड़च के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। और बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों उदयपुर से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक जिलों में प्रवाहित होती है? तो इनमें निम्न में से बतानी है, तो घग्गर नदी बहती है या बेड़च बहती है या बनास बहती है या बाणगंगा नदी सर्वाधिक जिलों में बहती है? तो सर्वाधिक जिलों के अंदर बनास नदी बहती है, बनास नदी छः जिलों के अंदर बहती है। और इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। और तीन नदियां राजस्थान की छः जिलों के अंदर बहती है, कौन कौन सी है देख लीजिए, चंबल, इस चंबल के अंदर तीनों की तीनों नदियों का बारे में आपको पता चल जाएगा। एक हो गई छह से चंबल हो गई, बह से बनास हो गई, लह से लूणी हो गई, ये तीनों नदियाँ छः छः जिलों के अंदर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोहर थाना का किला किन नदियों के संगम पर है? तो मनोहर थाना का किला परवन व कालीखांड नदियों के संगम पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। और बाणगंगा नदी का उद्गम विराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है, इसका विराट की पहाड़ियाँ उद्गम जयपुर से इसका उद्गम होता है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। और रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले के अंदर है, रणकपुर जैन मंदिर किस यहाँ पर है? पाली जिले के अंदर है, रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसिद भीलवाड़ा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसिद बताना है जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो आंसिद कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। और कोठारी नदी के किनारे बागौर सभ्यता भी है जो भी भीलवाड़ा केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताना आपको भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो भीमलत जलप्रपात मांगली नदी के किनारे स्थित है। और इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। और भीमलत जलप्रपात बूंदी जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमलत जलप्रपात किस जिले में है? तो भीमलत जलप्रपात बूंदी जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बारा जिले का शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? और शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा जिले के अंदर है। और आपको बताना है शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे हैं? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे हैं। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, गंभीरी नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? तो गंभीरी नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है यह बताना है आपको। तो गंभीरी नदी स्वाई माधेपुर, करौली, भरतपुर
और धौलपुर जिले के अंदर बहती है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। और गंभीर नदी के किनारे खानवा का मैदान भी स्थित है। खानवा का मैदान गंभीर नदी के किनारे स्थित है और खानवा का मैदान भरतपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर की नाग पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है और लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों के अंदर बहती है। और इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, अजमेर की नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं? तो कच्छ की खाड़ी अरब सागर के अंदर है। अरब सागर के अंदर दो खाड़ी है, एक तो कच्छ की खाड़ी और दूसरी है खंभात की खाड़ी। अब आपको बताना है कि कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती है। तो ऑप्शन देखिए इनके, माही, सोम, जाखम। माही तो खंभात की खाड़ी को इसलिए नहीं गिरती, तो लूणी नदी हो गई, उसकी सहायक ज्वाई हो गई, सूकड़ी हो गई और पश्चिमी बनास, ये चारों नदियाँ कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं? तो अब बताना आपको खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो खंभात की खाड़ी में माही नदी होगी, उसकी सहायक नदी सोम होगी और उस सोम की सहायक नदी जाखम होगी और साबरमती नदी होगी। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो गई माही, सोम, जाखम, साबरमती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं? राजस्थान की नदियों को 3 अपवाह तंत्र के अंदर बांटा गया है, एक आंतरिक अपवाह तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी का और तीसरा अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ। तो आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ होंगी घग्गर हो गई, साबी हो गई, कांतली हो गई और कांकरी नदी होगी। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कौन सी होगी देख लीजिए। तो आंतरिक प्रवाह नदियाँ हो गई घग्गर हो गई, कांतली होगी, साबी और कांकरी होगी। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, लूणी नदी का राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में प्रवाहित होती है? तो लूणी नदी राजस्थान के 10.40% भाग पर प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, लूणी नदी का जल कहाँ तक मीठा है? तो लूणी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा है, उसके बाद इसे का जल खारा हो जाता है, इसलिए लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बताना इसका जल कहाँ तक मीठा है? तो बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर तक इसका मीठा है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित महेंद्र झील से है, यह राजस्थान के कहाँ से प्रविष्ट होती है? तो माही नदी के बारे में बताना है, माही नदी का उद्गम तो महेंद्र झील से हो गया मध्य प्रदेश से, तो राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो माही नदी राजस्थान के खादुग्राम बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको बताना है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, माही, सोम और जाखम नदी का त्रिवेणी संगम राजस्थान के किस जिले में? तो बताना है सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम किस जिले में बनाती है? तो माही, सोम, जाखम तीनों नदियाँ त्रिवेणी संगम डूंगरपुर जिले के बणवेश्वर नामक स्थान पर मनाती है, जहाँ पर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, बणवेश्वर धाम पर डूंगरपुर में। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, सोम, माई, जाखम डूंगरपुर में अपना त्रिवेणी संगम मनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बागड़ एवं कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो बागड़ व कांठल की गंगा माई नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरना किसकी सहायक नदी है? सोम किसकी सहायक नदी है? माई नदी की, और जाखम माई नदी की, अनास भी माई नदी के, चाप माई नदी की और मोरना सहायक नदी माई की, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया माई नदी की। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सोम कमला अम्मा परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है? तो सोम कमला अम्मा परियोजना माई नदी पर है और यह डूंगरपुर जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, और सोम कमला परियोजना कहाँ पर है? माई नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी का उद्गम उदयपुर जिले के ऋषभदेव के पास बिच्छामेड़ी नामक स्थान से होता है? तो आपको बताना है बिच्छामेड़ी नामक स्थान से कौन सी नदी का उद्गम होता है? या जाखम का होता है, या माई का, या सोम का, या कादर का? तो जाखम नदी का उद्गम तो प्रतापगढ़ से होता है, और माई नदी का मैंने बता दिया था पीछे ही मध्य प्रदेश की मेहंदी जिले से होता है, और सोम नदी का बिच्छामेड़ी स्थान से होता है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, घग्गर नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, यह राजस्थान के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और यह शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो राजस्थान के अंदर बताना किस कहां पर प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी राजस्थान में टिब्बी
तहसील हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कांतली नदी का उद्गम स्थल है, तो कांतली नदी का उद्गम स्थल बताना है, तो कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों सीकर से होता है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। और कांतली नदी का अन्य नाम मौसमी नदी भी कहा जाता है, इसको मौसमी नदी भी कहा जाता है। सेकावटी प्रदेश के अंदर बहती है कांतली नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी का उद्गम प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादरी नामक स्थान से होता है, तो प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादरी नामक स्थान से जाखम नदी का उद्गम होता है, और जाखम नदी पर जाखम बांध है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जाखम नदी का उद्गम छोटी सादरी स्थान से होता है, और छोटी सादरी प्रतापगढ़ जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, तो गंग नहर सतलज नदी से निकाली गई है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। और गंग नहर विश्व की सबसे प्राचीनतम व सबसे विकसित नहर परियोजना है, और इसे गंग नहर को गंगानगर की जीवनदायिनी के नाम से भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, तो आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित किसने साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, जयपुर के अंदर है सेवर की पहाड़ियाँ। और कांकरी नदी का पहाड़ी कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से होता है, कोटड़ी गांव की पहाड़ियाँ जैसलमेर के अंदर है। और देख लीजिए, बाणगंगा नदी विराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है बाणगंगा नदी को, इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है बाणगंगा नदी को। और विराट की पहाड़ियाँ भी जयपुर के अंदर है। और कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से उद्गम होता है। इसका राइट आंसर हो गया, देख लीजिए, एक में एक नंबर और दो में चार नंबर, देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कोसी व काली सिंध नदियाँ किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है, तो कोसी नदी और काली सिंध नदियाँ गंगा नदी के प्रवाह तंत्र से जुड़ी है, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, और काली सिंध नदी चंबल की सहायक है, और चंबल यमुना की सहायक है, इसलिए काली सिंध किस नदी तंत्र का प्रवाह तंत्र का भाग होगी, तो गंगा नदी तंत्र का होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का एकमात्र रिवर फ्रंट चंबल रिवर फ्रंट किस जिले में निर्मित किया गया है, तो राजस्थान का एकमात्र ही है चंबल रिवर फ्रंट, तो चंबल नदी पर है, और चंबल नदी पर रिवर फ्रंट कहाँ पर है, कोटा के अंदर। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी के बहाव क्षेत्र की आकृति उत्काल प्रकार की है, तो सबसे ज़्यादा बताने उत्काल प्रकार की आकृति कौन सी नदी बनाती है, तो सर्वाधिक उत्काल आकृतियाँ चंबल नदी बनाती है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजन कुराल और मांगली किसकी सहायक नदी है, तो बाजन कुराल और मांगली काली सिंध की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहते हुए पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो माही नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, जो राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर डूंगरपुर से होती हुई फिर गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है, और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, तो कर्क रेखा दो बार काटने वाली नदी हो गई, इसलिए माही नदी हो गई, जो दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम में मुड़ जाती है, फिर मतलब दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, माही नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है, फिर पश्चिम में, फिर दक्षिण में वापस चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती, तो सांबर झील में पाँच नदियाँ गिरती है, खारी, खंडेल, रूपनगढ़ और तूर्तमती। इसके अंदर है कांतली नदी नहीं गिरती है सांबर झील के अंदर, पांच नदियां बता दी मैंने, थे खारी, खंडेल, मेंथा और रूपनगढ़ और तूर्तमती नदी सांबर झील के अंदर अपना जल गिराती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में समस्त भारत का कितने प्रतिशत सतही जल विद्यमान है, तो राजस्थान में समस्त भारत का 1.16% जल विद्यमान है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।